नमस्कार, मैं हरदेश धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कोरोना पर भारी अंधविश्वास, आखिर ये विषय क्यों आया है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार की पर्यटन विकास मंत्री खुद इस बात को कह रही हैं कि ताबीज़ बांधने से कोरोना नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोरोना जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि कोविड का खतरा भी टला नहीं है। जिस तरीके से भारत में भी ओमिक्रॉन नामक का वायरस जो है चाहिए फैल रहा है, दो मरीज के भारत में भी मिले हैं, आखिर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके बाद भी मंत्री को इस तरह के बयान जब आते हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है, क्योंकि जनता भ्रमित होती है इस तरह के बयान सुनती है तो, क्योंकि मंत्रियों को, नेताओं को एक आइडल के रूप में जनता देखती है। यदि उनके द्वारा इस तरह के बयान सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता के लिए भी एक मैसेज ठीक नहीं जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ। अभी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ, सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टट्टा मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं, असीम आस्था है वहाँ। और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे, कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस के लोग सदैव से ही अनर्गल बयानबाजी करते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र की परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उनके संदर्भ में जो उनका वहाँ पे जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, जो उनके विश्वास है, उनकी आस्था है, उनके लिए उन्होंने बात कही, और उस बयान को तोड़ मरोड़ कर ये बातें करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस सदैव से ही उस जनजातीय वर्ग का हमेशा से ही अपमान करती आई है, उनकी परंपराओं का माकोल लाती आई है, उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती आई है। यही वजह है कि कांग्रेस को जोबट और पृथ्वीपुर में मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश के मंत्री किसी सर्कस से कम नहीं, यहाँ का मंत्रिमंडल अजीबोगरीब सर्कस की भांति है, अजीबोगरीब बयानबाजी करते रहते हैं। कोई बाढ़ के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराता है, कोई महंगाई के लिए कांग्रेस नेहरू जी के भाषण को जिम्मेदार ठहराता है, कोई कहता है कि टंट्या भील का पुनर्जन्म शिवराज जी के रूप में हुआ, तो लगातार वो जरूर बयानबाजी करते हैं। अब गोबर के कंडे से कोरोना भगाने वाली, गौमूत्र से कोरोना भगाने वाली मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि ताबीज से स्वास्थ्य लाभ होता है, कोई प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं, परमात्मा से लेके सब चीज़, कोई जरूरत नहीं किसी चीज़ की, तो निश्चित तौर पर उनके इस बयान के बाद भाजपा को शिवराज ताबीज बांटना चाहिए और जो कोरोना के मास्क अभियान या जो वैक्सीन का अभियान से बंद करना चाहिए, तमाम प्रतिबंध गाइडलाइन को हटाना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म तो शिवराज जी का हो चुका है, कमल पटेल बता ही चुके हैं, तो शिवराज जी के ताबीज से लगता है कोरोना मध्यप्रदेश से भाग जाएगा। अस्पताल, डॉक्टर सब बंद कर देना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह, मंत्री जी ने तरीका बता ही दिया है। तो देखिए, वाकई बड़ा अजीब सत्यफा के इस तरह के बयान सामने आते हैं कि गोबर से, गौमूत्र से, ताबीज़ से, कंडे से, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ज़रूरत क्या है इलाज की, क्यों साइंटिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, क्यों नहीं सबको ताबीज़ बांट दिया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जो है, पहले परिचय करा दें आपका। हाँ, बीजेपी से हैं ब्रजगोपाल लोया जी और कांग्रेस से नीलब शुक्ला जी और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका स्वागत है। हाँ, शुरुआत करेंगे नीलब जी आपसे, कुछ जिस तरीके बयान आपने सुनेंगे उषा ठाकुर के कि कोरोना कुछ होता नहीं है, प्रकृति और परंपरा से दूर हटके हमें छोड़न चाहिए, ताबीज़ बांधकर भी इलाज हम कर सकते हैं, टंटे भील में ताबीज़ बांध देना चाहिए, अगर इस तरह का बयान का क्या मतलब, जो आज भी अंधविश्वास कोरोना पर भारी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहले भी उषा ठाकुर जी ने बयान दिया था कि मैं तो शंख बजा देती हूँ, हवन कर देती हूँ, गोबर का पे कंडे का हवन कर देती हूँ, गौमूत्र से क्रियाएं करती हूँ, तो उससे कोरोना भाग जाता। पहले भी मेरे साथ जब दूसरी लहर थी उसने भी ऐसा बयान दिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बयान देते हैं ये जानबूझ के दिलवाए जाते हैं। उसकी वजह बता रहा हूँ आपको मैं। भारत क्या है कि अभी आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण हुआ नहीं है, ठीक है, ना अस्पतालों की व्यवस्था है, ना कोई इलाज की व्यवस्था है। अब आदिवासियों की भीड़ इकट्ठी करना है, आदिवासी जो समारोह था इनका भोपाल वो बुरी तरह फेल हो चुका, अब भीड़ इकट्ठी कर नहीं पाए। अब आदिवासियों को ये आश्वस्त करना है कि कोरोना से आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ताबीज बांधो, मेरे हमारी भीड़ में आ जाओ, उसके बाद में जो होना है वो आप खुद निपटता। तो आदिवासियों को भ्रमित करके भीड़ इकट्ठी करने की कवायद है, ये कोई भी चीज अनजाने में नहीं देते, एक सोचे समझे षड्यंत्र कहते हैं ये इनके बयान है। जैसे आपने कहा कमल पटेल जी ने टंट्या मामा का अवतार शिवराज जी को बता दिया, ये आदिवासी वोट बैंक ने इनको 2018 में इनको आईना दिखा दिया था, उपचुनाव में भी इन्होंने मुंह की खाई है। आदिवासी भोले होते हैं, लेकिन ये समझ रहा है कि आदिवासी भोले हैं लेकिन थोड़ा ज्ञान तो रखते हैं, तो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं किसी भी तरह से कि भैया आप टंट्या मामा के अवतार शिवराज जी हैं, क्योंकि कभी ना मंत्री कहे कि आप तो भीड़ में आ जाओ,
भले आपके इलाज की व्यवस्था नहीं, आपको टीका नहीं लगा, जबकि पूरे प्रदेश में ये आह्वान कर रहे हैं कि दो डोज लगना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उस पर सख्तियां दी जा रही, पाबंदियां की जा रही। युवराज जी स्वयं खुद मुख्यमंत्री इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इनकी काबीरा मंत्री से आज 2 दिन पहले ये बयान दिलवाया जा रहा है कि आपको टीका नहीं लगा कोई बात नहीं, मास्क नहीं कोई बात नहीं, भीड़ में हम कूच कूच के लाएंगे मौसम में कोई बात नहीं। आपके पास तो तावीज है, आप तो बिल्कुल एक कवच के साथ चल रहे हैं। तो एक भ्रमित करने वाला बयान जानबूझ के षड्यंत्र प्रयोग दिया गया है कि मैं आपका आरोप लगा रहा हूँ सीधे सीधे, आदिवासी व्यक्तियों का भोले बंदे खिलवाड़ है। ठीक है पंकज जी, इस तरीके बयान आता है कि जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं विभाग में, उनके द्वारा इस तरह बयान ही दिया आएगा, तो जनता पर क्या इसका असर होगा? क्योंकि बाकी कोरोना का डर है लोगों में, अभी भी व्याप्त है, जो ओमिक्रॉन में वायरस है वो लगा हुआ है, भारत में एंट्री कर चुका है, चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं, तो इस तरह के बयान का क्या महत्व है, क्या उनका मंतव्य होगा इसमें? देखिए अहदेश जी, इस समय जो इस तरह के बयानों को लेकर अटपटे बयान चलने का एक दौर सा चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ये जब इस तरह की बयान खासकर एक जिम्मेदार बैठे मंत्री लोग ऐसी बातें करते हैं तो आम आदमी पे एक गलत संदेश जाता है। जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि जैसे मास्क लगाना है ये और भीड़ में नहीं जाना है, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे मंत्रीगण रैलियाँ करते हैं, सीएम जब बीच में स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित होते हैं भारी भीड़ में, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें लोगों में मैसेज अच्छा नहीं देती। तो हमें वही करना चाहिए जो हमें लगता है कि सही है, जो मैसेज दे रहे हैं उसके हमें पहले खुद ही पालन करना चाहिए। और जो उषा ठाकुर जी का जो बयान है ये पहली बार नहीं है, उनके इस तरह के बहुत सारे बयान पहले भी आते रहे हैं जब शायद यथार्थ से हट के बातें करती रही हैं। और शायद इसका ये भी असर हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जो एक बड़ी जनसंख्या है वो ऐसे लोगों की है जो थोड़ा सा शिक्षा के रूप में थोड़ा काफी पिछड़े हुए हैं, तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी कि जब सरकार के पास यदि सही प्लानिंग है, सही एक काम करने का एक मौजूद है तरीका मौजूद है, तो फिर इस तरह की बातें करके सरकार की गंभीरता को कम करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मुझे लगता है ब्रज गोपाल जी बेहतर जवाब दें। ब्रज गोपाल जी स्वागत है पहले तो खबर भारत में आपका। जिस तरीके से आपने भी सुना होगा जी, नमस्कार कि मंत्री खुद बयान देती हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, प्रकृति है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, आप ताबीज बांध के भी काम कर सकते हैं, जो क्रांतिकारी वीर थे, शहीद थे, उनका ताबीज बांधेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। इस तरह के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? जो पहले भी हमने देखा है, मोदी जी ने खुद कहा था ताली बजाओ, घंटी बजाओ, ठीक है, लोगों ने थाली फोड़ी, बर्तन फोड़े, अब इस तरह के बयान आना, आखिर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को लेकर इस तरह के हल्कापन, हल्के बयान देना, आखिर मंतव्य क्या, क्यों चीजें होती हैं इस तरीके से? रदे जी, इसमें देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि वो बयान से आपकी सहमति ना हो या बहुत सारे लोगों की सहमति ना हो, परंतु बहुत सारे लोगों की सहमति भी हो सकती है। आप इस बात को समझें, हम किस समाज में जीते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक माँ अपने बच्चे को गले में ताबीज बांधती है, उसके कमर में एक काला धागा बांधती है, उसके हाथ में पैर में काले धागे बांधती है, ये उसकी आस्था का प्रतीक है, वो दुआएं चाहती है, और परंतु वो दवा से परहेज नहीं करती है, वो उस बच्चे के संरक्षण के लिए उपयोगी दवाएं भी देती है और ये दुआएं भी देती है। हम इसी 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, हम आप में से कोई अशिक्षित लोग नहीं है, फिर इसके बाद भी आप देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग हाथ में कलावा बांधे हुए होते हैं, हम कहीं मंदिर में जाते हैं वहां कलावा बांधते हैं, कोई कहीं जाता है तो चादर चढ़ाता है। बयान के समर्थन में खड़े हैं आप, उनके पक्ष में हैं आप तो? अरे आप मेरी पूरी बात होने दीजिए हृदय जी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस बात को समझिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें आस्था और विज्ञान, धर्म और आध्यात्म, इन सबको मिलकर साथ चलना है। हम उस समाज में रहते हैं। जो उन्होंने बयान दिया है पहले, उस बयान को भी मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने ये कहा है कि वहां ऐसा होता है कि लोग टंटिया मामा के नाम का ताबीज पहनते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं, ये उनके विश्वास का प्रतीक है। मैं आप कहीं आप देखते हैं किसी के घर में कोई संकट आता है तो वो उसे कह देता है कि महामृत्युंजय का जाप करा लें तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी आस्था और हमारा विज्ञान दोनों मिलकर साथ चलने का नाम ही सनातन भारतीय संस्कृति है, इसको आप समझ लीजिए, और यही हमारी विश्व गुरुता है। आपने सुना है यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम धर्म, आस्था और विज्ञान, इन सबको साथ लेकर पूरी चीजों को एक साथ चलने की कला जो हमने विकसित करी है, उस कला के कारण ही हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बन पाए हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, परंतु जहां तक सरकार की जिम्मेदारियों की चर्चा हो रही है तो आपको मालूम है इस बात को कि इस प्रदेश का पहला
100% वैक्सीनेटेड गांव हमारे आदिवासी अंचल का ही गांव है, वहां जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है और मध्य प्रदेश का मॉडल पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो हम ना तो दबावों से कोताही कर रहे हैं, ना ही हम इस बात से कोताही कर रहे हैं कि सरकार अपने कर्तव्य से पीछे हटेगी। हमारी हर तरह की तैयारियां हैं, परंतु समाज में भय का वातावरण भी ना बने, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। और यदि किसी छोटी छोटी आस्थाओं से आत्मविश्वास पैदा होता है तो उस आत्मविश्वास को हमें बनाए रखना है, क्योंकि यही आत्मविश्वास हमें बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। इसी को वैज्ञानिक या डॉक्टर इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी और आत्मविश्वास में कोई बहुत बड़े फर्क नहीं है, परंतु ठीक है अपनी अपनी भाषा है, परंतु मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत है। मतलब ये कहना है शिवराज जी समझ नहीं पा रहे हैं कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ नहीं पा रहा है, कमजोर हो रहा है, यही वजह है कि मंत्री जी खुद सामने आके बयान कर रहे हैं। तो सीएम साहब आगाह करते हैं कि कोरोना टला नहीं है, सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, दूरी अपनाइए, नहीं तो ये कब का है? विपरीत मंत्री बयान देते हैं, ताबीज पहनिए। हृदय जी क्या मंत्री जी ने ये कहा है कि मास्क मत लगाइए? क्या मंत्री जी ने ये कहा है कि टीका मत लगवाइए? उन्होंने ये कहा है कि जनजाति इलाकों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, उन्होंने केवल एक सूचना दी है, उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया है कि आपको ताबीज पहनना है। उन्होंने सूचना दी है कि जनजाति इलाकों में बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो टंटिया मामा के नाम का ताबीज पहनकर अपने आप को संरक्षित मानते हैं। और ये हमारी हजारों आस्थाएं इस देश में, हजारों लाखों तरह की आस्थाएं, जितने तरह के समुदाय, इसीलिए तो हम रंग बिरंगी संस्कृति है। और ये रंग बिरंगापन हमारे में है क्या? यही तो हमारे में रंग बिरंगा का प्रतिनिधित्व करती है वो, और उनकी बात किस तरह लेंगे लोग, तो क्या हालत होंगे प्रदेश के, देश के? मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल भ्रमित करने वाला बयान नहीं है ये, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बयान है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कह रही है कि दबा मत लीजिए, वो ना ये कह रही है एक लॉजिकल सवाल जवाब दे दीजिए। जब मोदी जी ने भी एक आह्वान किया था देश की जनता से कि टॉर्च जलाइए, दीपक जलाइए और बर्तन में थाली पीटिए, उसका क्या लॉजिक था कोरोना भगाने के लिए? एक मिनट, कहां कहा है उन्होंने कोरोना भगाने के लिए? हृदय जी आप जैसा बहुत वरिष्ठ उन्होंने खुद कहा, उन्होंने तो ये कहा जलाइए पीटिए, कोरोना जब महामारी जूझ रहा था। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिए किस लिए? कि जो हमारे हेल्थ वर्कर है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है, उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करें। इसके लिए थाली बजाई, इसके लिए घंटी बजाई, इसके लिए झालर बजाई और इसके लिए अपने घर की बत्ती बंद रखी कि जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर लड़ रहा है उस बीमारी से और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसका आत्मविश्वास हम मजबूत कर सकें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इससे कोरोना भग रहा है, परंतु जो कोरोना को भगा रहे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इसलिए ये किया था। क्या लगता है नीलम जी, आपको कितना सहमत है आप ब्रजगोपाल जी की बातों से, क्योंकि ये पक्षधर है ठाकुर के बयान का? ब्रजगोपाल जी की बातें सुन रहा था, मुझे पूरे कुएं में राम मिली हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक कभी कोई थाली पिटवाता है, कोई टॉर्च जलवाता है, कोई दिए जलवाता है, कोई गोमूत्र हवन करवाता है, कोई गोबर से हवन करवाता है, लेकिन कोरोना का इलाज कोई नहीं करवाता है। दूसरी लहर में जो बिना इलाज के बिना ऑक्सीजन लोग मरे, ये उसी के बारे में लेती है। इनकी जो सोच है तरह की और एक जारी सोच, इसलिए इन्हें इलाज की व्यवस्था नहीं करी, इस तरह के बयानबाजी करे, अभी भी यही कर रहे हैं। तीसरी शहर की आमद हो रही है, दस्तक हो रही है, एरियल को इन्हें ऐसा बयान देना था कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, सब आदिवासी मास्क लगा कर आए, सभी वैक्सीनेट होकर आए, जिनको दो डोज नहीं लगे वो नहीं आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और इस तरह बयान हम सोचते वैज्ञानिक बयान दिया है। इन्होंने तो उनको प्रोत्साहित किया कि आप तो वैक्सीन लगाओ या ना लगाओ, मास्क लगाओ या मत लगाओ, आप तो एक काम करो, आप तो संजय मामा का ताबीज बांधो और आ जाओ, उसके बाद जो हमारी कार्यक्रम खत्म होगा फिर तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। अब कोरोना आप जाना काम जाने, आप तो हमारे कार्यक्रम सफल कर दो। तो इन्होंने इस तरह गुमराह करने वाला, अंधविश्वास फैलाने वाला कार्यक्रम कर दो बातें कहनी है, हमारे कांग्रेस के साथी नीलम शुक्ला जी जो बातें कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ। आप ताबीज में विश्वास रखते हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी का ताबीज पर क्या मत है?
हवन पर आपका क्या मत है, ये जो हम रक्षा सूत्र पहनते हैं इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन बताइए कि ये करना जो कर रहे हैं। मैं आपसे नीरज शुक्ला जी, आप बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें, आप अपने समय में बोलिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न सुन लीजिए। हवन आपने अभी कहा, हवन आप हवन में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते? नीरज शुक्ला जी आप अपनी बात करिए, आप इनमें विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? कांग्रेस पार्टी इनमें विश्वास रखती है या नहीं रखती है? नीरज जी आगे करके बात रखें अपनी जी। नीलम शुक्ला जी देखिए देखिए हृदय जी, मैं कभी बीच में नहीं बोलता, आप मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरे प्रश्न सुन लें, कांग्रेस पार्टी को हवन में विश्वास है या नहीं है? गौ के गोबर में विश्वास है या नहीं है? कलावा बांधने में विश्वास है या नहीं है? आपको तावीज में विश्वास है या नहीं है? आपको इन चीजों में विश्वास है या नहीं है? या आपको केवल अजमेर की चादर में विश्वास है? क्या आप, आपका क्या इसमें पक्ष है, आप स्पष्ट करिए। हम तो आपसे दिलदारी के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय सनातन संस्कृति में विश्वास रखती है और जो भी संस्कृति की परंपराएं हैं उन परंपराओं में भी विश्वास रखती है, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं ये अनादिकाल से हमारे देश में चली आ रही हैं और ये अवैज्ञानिक भी नहीं है। बार बार ये प्रतिपादित होता है कि इनमें वैज्ञानिक तथ्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा, हमारे आदिवासी जनजाति समूह का यदि किसी काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इलाज के लिए सरकार तैयार है, दवाओं की उपलब्धता में सरकार तैयार है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मध्य प्रदेश से बेहतर कहीं नहीं चला पूरे देश में। ये राजस्थान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से तुलना करके देख लें और वो वायनाड से तुलना करने जहां इनके राजकुमार सांसद हैं। मैं फिर से कहता हूं कि हम दवाओं में अगर अग्रणी हैं तो हम दुआओं में भी सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि हम किसी की आस्था को नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि आस्था टूटने से मनोबल टूटता है और मनोबल टूटने से व्यक्ति कमजोर होता है। नीलम जी बात रखिएगा अपनी। अब ये क्या है, अब आ गए धर्म पे, ये धर्म के ठेकेदार पार्टी है, संस्कृति के ठेकेदार पार्टी है, ठीक है ना। अब ये उसकी बातें कर रहे हैं कि कलावा में विश्वास है या ताबीज विश्वास है कि नहीं, धर्म में विश्वास है कि नहीं। अरे भैया धर्म का ठेका आपने नहीं ले रखा है, हमें भी धर्म में विश्वास है, लेकिन हमें पता ये कर रहा है, नहीं पूछ रहे, आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। आप जवाब दे रहे हो, ये कोरोना है, ये जिस ताबीज या झंडे ताबीज से खत्म नहीं होता, ना गोवा के हवन से खत्म होता है, पूरा विश्व ऐसा है। ना आपके जो काबीना मंचन को पूरे विश्व में उन्हें ध्यान देने को लगना चाहिए, पूरा पूरी दुनिया परेशान है इसके इलाज को लेकर। क्यों नहीं आप पूरे प्रदेश में ताबीज बटवा देते, क्यों नहीं पूरे प्रदेश झंडे बटवा देते, क्यों नहीं पूरे प्रदेश को हवन करवाते, बंद करो वैक्सीनेशन, पूरे इनको ध्यान देने का बोला। कितना हास्यास्पद बयान दिया और आप मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसा आदमी उनकी उनके अवैज्ञानिक बयान की तारीफ कर रहे हैं, उनके समर्थन कर रहे हैं और ऐसे मौके पर जहां पर लाखों लोगों की बिना इलाज से मौत हो चुकी है और गुमराह कर रहे हैं इस तरह लोग बोलते हैं और जब किसी से लेकर हम रहेंगे समर्थन करते हैं। आखिर इस तरह बयान का समर्थन करना कहां तक उचित है? देखिए हृदय जी ये बात सही है कि देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हमारे देश में सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे सब कुछ नहीं चलता, कुछ दुआओं में भी चलती चीज़ें। और चूंकि हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी सनातन परंपराएं हैं, तो हम निश्चित तौर पर हम जब बीमार होते हैं तो अकेले से दवाओं पर भरोसा नहीं, दुआओं पर भी बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम मंत्री लेवल के व्यक्ति को इस तरह की बातें इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए आस्था व्यक्तिगत है, आस्था का ये सही है, हम सभी कहीं ना कहीं ताबीज से बंधे हैं, अपने परम अपने अपने कुछ आस्थाएँ हैं कुछ लोगों के प्रति जो शायद हम लोग अपने बचने के लिए जाते हैं वहाँ पर। लेकिन कम से कम हम जब कम से कम मुख्यमंत्री मंत्री ऐसे पद होते हैं जब वो सार्वजनिक तौर पर बोल रहे होते हैं तो उनको ज़रूर इसके साथ अगर कहना भी था तो इसके साथ जोड़ना चाहिए था कि आस्था अपनी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम बेहतर होता कि हम अस्पताल का भी तरफ रुख करते, हम एक जो जागरूकता अभियान चल रहा है उस पर सहयोग करते तो और अच्छा होता। बाकी हम ये नहीं कहते कि ताबीज़ ना बांधें लोग, कलावा ना बांधें, मंदिर पर ना जाएँ या दुआएं करने ना जाएं कहीं, सब कोई करता है, सबके अपनी, हम इलाज भी करते हैं और मंदिर मस्जिद भी जाते हैं, अपनी प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जब सरकार एक अभियान चला रही है, एक कोरोना एक बड़ा महामारी के रूप में पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, तो कम से कम हमें उस समय से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है। और जब हम बातें इस तरह की कर रहे हैं आस्था की, तो आस्था के साथ इस तरह की बात भी करते तो और बेहतर और अच्छा लगता। अब राजगोपाल जी जिस तरीके सीएम साहब खुद सड़कों पर उतर के मास्क पहना रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री भी सड़कों पर उतर के मास्क पहना रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी आपके मास्क पहना रहे हैं, तो क्यों ना मास्क की जगह ताबीज बांट दिया जाए? नहीं नहीं मैंने आपसे कहा ना, ताबीज व्यक्तिगत आस्था है और मास्क बांटने में भी सरकार आगे है, टीका लगवाने में भी सरकार आगे है,
और किसी की अगर कोई ऐसी मान्यता है कि वो उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो ये उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम कभी नहीं कह रहे, हम तो एक वैज्ञानिक धर्म है, हम तो एक ऐसी परंपरा है जिसमें हर चीज वैज्ञानिक है और उसकी वैज्ञानिकता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और एक बार फिर से कहता हूं कि हमने धर्म और विज्ञान का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है, इसीलिए तो हम सबसे अच्छी संस्कृति हैं। और हृदय जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो बार बार ये बातें करते हैं उसको अलग अलग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आप सीधे प्रश्नों का सीधा उत्तर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसे, ये काल्पनिक प्रश्नों का विषय नहीं है। जिस दरिया दिली से पूरे ईमानदारी से मैंने आपसे जो कहा है कि वो बयान में कुछ गलत नहीं है, उषा दीदी का बयान गलत नहीं है और वो भी मास्क बांट रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बांट रही है। जनता की सेवा हर व्यक्ति कर रहा है, उसे मास्क भी दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, दुआ के लिए भी उसे प्रेरित कर रहे हैं कि सब तरीके से आनंद में रहे। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी से सरकार कभी नहीं भागेगी, परंतु उनकी आस्थाओं की रक्षा करना भी इसी सरकार की जिम्मेवारी है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र है, लोक जो चाहते हैं वही नेता का कर्तव्य है, ये आप समझ लीजिए। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जब हमारे संविधान की प्रियम्बल ही यही है तो जनता के मत के साथ अपना मत रखना, उसको सही रास्ता बताना, ये दोनों काम सरकार के हैं। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में वो सरकार बेहतर काम कर रही है और अन्य प्रदेशों के लिए वो उदाहरण है। नीलम जी, कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं राज्यपाल जी के धर्म की आदि बात हो, धर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही मानती है, कलावा बांधने की बात हो, चाहे पूजा पाठ करने की बात हो, चाहे जो भी ताबीज की बात हो, आस्था धर्म विज्ञान साथ में चलते हैं, कांग्रेस पार्टी इससे कितने रखती है। मेरे ख्याल से मेरे भाजपा के मित्र को जानकारी होना चाहिए, मानसिक बीमारियां जो होती है ना, जैसे मनोवैज्ञानिक बीमारियां या डिप्रेशन वगैरह, जो जैसे बीमारी भी नहीं कुछ होती, इलाज भी कुछ होता है, जैसे गांव के ओझा लोग करते हैं, झाड़ फूक कर देते हैं, बीमारी होती है ना उसका इलाज होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें ये चीज पर मान सकते हैं कि करावा। लेकिन संक्रमण की बीमारी में आपका ये ताबीज क्या करेगा ये बताए, जो खुद की बीमारी है, जो व्यक्ति टू व्यक्ति फैल रही है, वो वैश्विक बीमारी है, वो तो लाखों लोग मर चुके हैं, उसमें ताबीज क्या करेगा, करावा क्या करेगा, ये तो अत्यंत ही बीमारी में काम कर रहा है, उस बीमारी का नाम बता दो। अरे बीमारी में काम करता है, उस बीमारी का नाम बता दो। अरे आपसे प्रश्न है मेरा कि यदि इसमें काम नहीं कर रहा तो कौन सी में करता है, बता दें, बता दें। मैं तो कह रहा हूँ या तो ताबीज कहीं काम नहीं करता या हर जगह काम करता है, क्योंकि वो तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम तब कह रहे हैं कि इस बीमारी का ताबीज और उस बीमारी का ताबीज, हमने नहीं कहा। नीलम जी आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप उत्तर नहीं है। अध्ययन करिए, भारतीय संस्कृति को समझिए और फिर उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस संस्कृति के पले पड़े हैं वही संस्कृति। आप लोग ताबीज बांध दिए, आप लोग मानसिक बीमारी है, आप अवैज्ञानिक बातें करते हैं, आप आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको भीड़ में धकेल रहे हैं, ये नहीं करेगा टीका लगाइए, ये नहीं करेगा मास्क लगाइए, ये नहीं करेगा खुदे सिस्टम का पालन कीजिए। अरे साहब आप ताबीज डालो, हमारी भेड़ आ जाओ, हमारा कार्यक्रम चारों खत्म होगा, उसके आप जानो का काम जाने, क्या संक्रमण हो रहा है, कितना फैला रहा हूँ, प्रदेश जाने, प्रदेश की जनता जाने, हमारा कार्यक्रम सक्सेस होना चाहिए। इसकी इस तरह के बेतुके बयान सोची समझी रणनीति के साथ छगन पूर्वक दिए जा रहे हैं, आरोप लगा रहा हूँ। जी राजगोपाल जी जवाब दीजिए। देखिए देखिए हृदय जी, मैं आप सही कहता हूँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिं ते नर ना घनेरे। इनकी खुद की मानसिकता क्या है, इन्होंने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर आदिवासी सम्मेलन किया या नहीं किया, उसमें आदिवासी नहीं आई अलग बात है। आप कह देते कि नहीं कोविड का टाइम है, कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, आप अभी कह दीजिए कि कमलनाथ जी अब कार्यक्रम करना बंद कर रहे हैं, आप लगातार खुद कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो लोग वहां जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार उसमें लगी है, पूरी सरकार लगी है,
पूरी सरकार लगी है, कांग्रेस ने आज तक एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। आप तो आदिवासियों को एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जो ये बताए कि कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे मंतव्य ये है। कहीं कोई मंतव्य नहीं, खाली मीडिया में बैठना, सोशल मीडिया में बातें करना, इनका इनका कहीं उपस्थिति नहीं है, जनता के बीच में स्वीकार्यता नहीं है, और ना इनकी बातों को जनता गंभीरता से भी नहीं लेती है। मैं आपको ये और बता दूं, जो लोग आलू से सोना बनाते हैं उनकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। ये काबिज वाले लोग हैं जो आलू से सोना बना रहे हैं, ये वो लोग हैं, और जो वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, है ना, वैज्ञानिक होने का दावा करने वाले लोग वायनाड जाते हैं तो क्रॉस लगा लेते हैं, वायनाड जाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, बनारस जाते हैं तो गंगा में डुबकी लगाते हैं, अजमेर जाते हैं तो टोपी लगा घूमते हैं, जिनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, कोई आस्था तय नहीं है, आस्था तय नहीं है, कौन सी आस्था है, तैयार नहीं है। यहाँ पे धर्म और आस्था विज्ञान की बात चल रही है, तो अभी तर्क क्या है इस मामले में पूरे में? देखिए हृदय जी, ये जो मुद्दा है, धर्म और आस्था के साथ विज्ञान का जुड़ा मुद्दा है, और हमारे देश में ये आज पहली बार नहीं है, ये जब से हमें, मतलब आप याद करें अपने देश के इतिहास देखेंगे तो शुरू से ही इस पे हमेशा से लड़ाई चलती चली आई है कि विज्ञान और आस्था के नाम पे हमारे देश में विवाद हमेशा से रहे हैं। समय समय पे समाज सुधारक आए हैं जिन्होंने बहुत सारी गतिविधियां बदली, समाज की, लोगों की सोच बदली, तो हो सकता है समय लगे, लेकिन ये जरूर है कि भारत में, कम से कम हिंदुस्तान में, हम आस्था को नकार नहीं सकते। तो आस्था के साथ विज्ञान का साथ चले ये अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक दल, प्रमुख राजनीतिक दल हैं और अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों प्रदेश में, लोग उनकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो हम कहीं भी आस्था अपनी बनाए रखें सब लोग, और आस्था भी सबका बिल्कुल नैतिक और व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भ्रमित ना करें, कम से कम उसको अस्पताल जाने से ना रोके। अब ये बिल्कुल ठीक है कि हम आस्था के बगैर हमारा विज्ञान भी पूरा नहीं होता है, और हम भी उसके कहीं ना कहीं धारक हैं, हम सब भी सब उसका पालन करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में जब खड़े हों तो कम से कम ये दो बात बोलना ना बोले कि हम सच सच क्या है, सच बताना, क्योंकि आस्था अपनी जगह है और विज्ञान का अपने अलग फायदे हैं, तो विज्ञान के साथ आस्था बनाए, यही हम, मैं तो यही अंतिम बार कहूँगा कि आप सब कुछ बनाए, लेकिन विज्ञान के साथ का भी बहुत ज़रूरी है, इलाज जरूरी है, और जो मैसेज है, जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना है नहीं है, जैसे मंत्री कह रहे कोरोना है ही नहीं, तो कम से कम आज 21वीं सदी में आके इस तरह की बयानबाजी ना करें कि कोरोना कुछ होता ही नहीं है, कोरोना है नहीं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की गरिमा कम होती है, गंभीरता भी कम दिखती है। बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, आस्थावान बनिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि विज्ञान के बाद भी आस्था विश्वास ही काम आता है। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, विज्ञान के मामले में हम सबसे आगे हैं, और मैं आपको प्रमाणिक बात करता हूं, कोई गैर प्रमाणिक बात नहीं करता। कांग्रेस ने इस देश में 70 वर्षों तक राज किया, 65 वर्षों तक, और पूरे दुनिया में हमारी छवि क्या थी, सफेद देशों की। फिर नीलम जी आप बीच में बोले, आप, मैं अपनी बात 20 सेकंड में कहूंगा, आप रुक जाइए। हृदय जी आप उनके पास जाइएगा, आप बात रखिए, मैं हृदय जी ये कह रहा हूँ, 65 वर्ष कांग्रेस के 65 वर्षों में इस देश की छवि पूरी दुनिया में सपेरों के देश की थी, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वैक्सीन बनाने वाले देश की बनी। ये तो हमारा विज्ञान है, और आस्था की बात पर तो हम बहुत सारी चर्चा कर ही चुके हैं। जी नीलम जी बात रखिएगा, अपने समय का अभाव है। इनकी असल में तरस आ रहा है कि सुई से लेके परमाणु बम तक, एम्स बड़ा बड़ा हॉस्पिटल कांग्रेस ने बना दिए। आज जिस चीज पे आप देख के बात कर रहे हो, कांग्रेस की देन है, और आपको सपेरों का देश, अपने देश का खुद ही अपमान कर रहे हो भाई साहब। आप, मैं खुद बोल रहा हूँ एक आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस खर्च उठाने को तैयार है, हम अपने स्वयं के खर्चे से। आप अपने मंत्रियों को, नेताओं को शिक्षित करो, उन्हें अंधविश्वास से दूर करो, उन्हें शिक्षित करता है, उनकी सोच वैज्ञानिक हो, तो कांग्रेस खर्च उठाने तैयार है। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, हमारे खर्च से आप शिक्षित हो, ताकि उनसे प्रदेश का भला हो, और ऐसी बेट हो, और ऐसे हास्यास्पद बयान नहीं दे, और लोग गुमराह नहीं करें। पंकज जी जल्दी बात रखिएगा अपनी। मैं तो हृदय जी बस इतना ही कहूँगा, जिस तरह से हमारे विवाद की वजह ये नहीं है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, विवाद की वजह ये है कि जो समाज चले वो दोनों तरह से चले, और समाज में सबका, सबको स्थान है, सबका स्थान बना रहे, तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमें निश्चित तौर पे कोरोना का भी ध्यान रखना है, अपनी आस्था का भी ध्यान रखना है, लेकिन इलाज जरूर कराएं, और सोशल डिस्टेंस या जो भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें।
बिल्कुल, चर्चा का मूल सार यही है कि कोरोना जो है एक हल्की बीमारी नहीं है, गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आस्था अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ जरूर आस्था शुरू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जो है गंभीर बीमारी के रूप में, तो मंत्री जिस तरह का बयान दिया है, तो आप तीनों हमारी चर्चा जो है तीनों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि बात चल रही है जिस तरीके से कि कोरोना पर भारी अंधविश्वास, आखिर अंधविश्वास भारी क्यों है, क्योंकि मंत्री ने बयान दिया इसलिए गंभीरता बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अभी भी विश्वास करेंगे, ताबीज़ पहनेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो ये उनकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन हाँ, फिर भी आस्थावान बनिए, विश्वास रखिए, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका ख्याल रखिए, और शासन द्वारा जो जो प्रोटोकॉल जारी होते हैं उसका पालन कीजिए, तभी आप बेहतर रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे आजाद, नमस्कार।